शबनम सिंह जारा और नानी के कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैंगन कोल्हापुरी रसा, तो चलो बनाते हैं। ये मैंने एक पाव बैंगन लिया है और इसको सिर्फ दो पीसेज में कट कर दिया है और इसको मैंने धो के अच्छे से पानी में भिगो के रखा है। तो अभी हम इसको फ्राई करते हैं। पहले मैं कढ़ाई को रखती हूँ और कढ़ाई को हम गरम करते हैं गैस को चालू करके। थोड़ा हम इसमें दो चम्मच ऑयल भी डालेंगे। इस बैंगन को हम पानी से निकाल कर फ्राई करेंगे। सब बैंगन को हम इस तरह से टर्न करेंगे और फ्राई होने तक उसको ऐसे ही रखेंगे और थोड़ा इसमें नमक भी डालेंगे। नमक से जल्दी नरम भी हो जाएंगे और हमारे पकने भी लगेंगे। इसको दोनों साइड पकाना है, पहले एक साइड को पकने दो फिर हम दूसरा साइड उसका टर्न करते हैं। इन सब मसालों को मुझे पीसना है। ये मैंने दो बड़े चम्मच सूखा खोबरा लिया है और उसको मैंने अच्छे से भून लिया है। ये हम इसमें डाल के पीसेंगे। और ये मैंने धनिया लिया है, ये घर का हमारा धनिया पीसा हुआ है। ये एक चम्मच, ये दो ही चम्मच मैंने माप से लिया हुआ है। ये हमारा गरम मसाला है। गरम मसाला बहुत स्ट्रांग होता है हमारा, इसलिए हम थोड़ा ही यूज़ करते हैं। ये लाल मिर्ची भी मैंने घर में पीसा हुआ है, चलो इसको भी हम डालेंगे। ये भी दो चम्मच मैंने हिसाब से लिया हुआ है। और ये तीन मिर्च, हरी मिर्ची ये तीन लिया है, एक छोटी और दो बड़ी हैं। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी दो चम्मच है, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये दो बड़े प्याज है, इसको मैंने थोड़ा तेल डाल के फ्राई कर लिया है ताकि हमारा करी का कलर भी डार्क आए। मैं हमेशा प्याज को फ्राई ही करती हूँ। चलो हम ये इसमें डालकर इसको भी हम पीसेंगे। और ये कोथमीर हमारी, इसको भी मैं थोड़ा काट लेती हूँ। इसको हम इसमें डाल के पीस लें। इन सब बैंगनों को मैंने अभी सीधा कर लिया है। एक साइड इसका थोड़ा पक गया, अभी दूसरा साइड को भी हमको पकाना है, तो हम इनको पका लेते हैं। मिक्सी में मैंने मसाला भी एकदम अच्छे से पीस लिया है। देखिए कितना बढ़िया हमारा मसाला भी पीसे गया। बैंगन अच्छे से हमारे फ्राई हो गए हैं। इसको मैंने थोड़ा कसर रखा है क्योंकि हमारे मसाले में भी इसको पकाना है। मसाला भी इसको बैंगन को लगना चाहिए, मसाले का भी फ्लेवर बैंगन में आना चाहिए, इसके लिए इसको थोड़ा कसर रखी है हमने। अभी हम इसको मसाले में फ्राई करेंगे। चलो इसको हम तेल डालते हैं। तेल भी मैंने बड़े चम्मच तीन से चार लिया है। कोई कड़ी पत्ता डालता है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आज इसको अपनी करी में डाल रही हूँ। थोड़ी दालचीनी भी मैं डालूँगी, थोड़ी सी दालचीनी भी डालेंगे, थोड़ा दो इलायची डालेंगे, थोड़ा ज़ीरा डालेंगे। बिल्कुल मुझे थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसका फ्लेवर आना चाहिए मसाले का, छुट्टे मसाले का। ये शाहजीरा है, इसको हम अच्छे से पकने देंगे।
कड़ी पत्ते का जो फ्लेवर आता है खाने में वो बहुत ही मज़ा देता है। हमारे छुट्टे मसाले अच्छे गर्म हो गए हैं। चलो अभी मैं ये मसाला जो पीसा है मैंने इसको भी फ्राई कर दे। ये आधा चम्मच है, आधा चम्मच हम हल्दी डालेंगे। मसाले को 5 मिनट पकाते हुए हो गए हैं, अभी हम इसमें बैंगन डालेंगे। सारे बैंगनों को मसाले में कोट कर लेंगे। वाओ, अभी से क्या इसकी खुशबू आ रही है मसाले की, बढ़िया। ये जो मैंने मसाले का पिसा हुआ था पानी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बैंगन रसा है इसके लिए इसको थोड़ा पानी भी मुझे ऐड करना है। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी इसकी तैयार हो रही है बनके। इसमें हम नमक डालेंगे अभी टेस्ट के हिसाब से। कम लगेगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। चलो इसको हिला देती हूँ और इसको कम पर रखेंगे पकाने के लिए। बैंगन भी अच्छे बन जाएंगे और हमारा मसाला भी अच्छे से पक जाएगा। तो चलो मैं गैस को कम करती हूँ। इसको मैं सिर्फ आधा ही रख रही हूँ, इसलिए आधा रख रही हूँ कि जो इसमें ऑयल आता है ये ऑयल इसका ख़त्म हो जाता है। इसके लिए इसको थोड़ा सा हवा जाने के लिए और वो ऑयल ऊपर आने के लिए मैंने आधा ही ढक्कन रखा हुआ है। चलो मिलती हूँ मैं 10 मिनट के बाद आपको। बैंगन कोल्हापुरी रसे वाला चलो बना कितना है देखते हैं खोल के। वाओ, एकदम बढ़िया। देखो जैसे चिकन लग रही है ना, एक टांग की चिकन, ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बैंगन कोल्हापुरी रसे वाला बनके रेडी हो गया। मैं थोड़ा टेस्ट करके देखूँ कि नमक कितना है। वाओ, बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी और बहुत ही लजीज जिसको कहते हैं ना, उस तरह का बना है। चलो गैस को मैं बंद करती हूँ और हमारी प्लेट बनाते हैं। कोल्हापुरी बैंगन रसे वाला मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। एक नंबर, मटन चिकन सब फेल है बैंगन के आगे। बहुत ही बढ़िया बना है। रेसिपी आप घर पे जरूर बनाइए और मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का तो इंतजार करती हूँ लेकिन आप मुझे कमेंट भेजते ही नहीं है। क्यों, क्या मेरी रेसिपी आपको पसंद नहीं आती या मैं आपको पसंद नहीं आ रही हूँ? तो चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के बाय।